दोस्तों चलिए सबसे पहले हम अपने भाई के नंबर पे कॉल करते हैं और देखते हैं कि उसने अपने जियो ट्यून पर क्या सेट करके रखा है। ओके तो यहाँ पर मैं उसके नंबर पे कॉल कर दूंगा और कॉल करने के बाद यहाँ पर स्पीकर। राहुल को कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपके फोन का जवाब दिया जा रहा है, कृपया प्रतीक्षा करें, आपका कॉल महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आपने सुना कि मैं अपने भाई के नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, तो उसका नाम जो है वो बोल रहा है उसके जियो ट्यून में, है ना। तो ये चीज जो है अपने जियो में अभी जो है वो अपडेट आया हुआ है, तो आप अपने नाम से भी जियो ट्यून जो है वो सेट कर सकते हैं। और यही नहीं दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किसी भी सॉन्ग को, जी हाँ किसी भी सॉन्ग को अपने जियो ट्यून पे कैसे सेट कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने को स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों अगर आप किसी भी सॉन्ग को या फिर अपने नाम से जियो ट्यून सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इस वीडियो को सबसे पहले कर देना होगा लाइक और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। इसके बगल में एक घंटे का आइकन आ जाएगा, तो आपको इस घंटे को दबाकर यहाँ से ऑल पे सेट कर देना होगा दोस्तों। और साथ ही यहाँ पर आपको एक कॉमेंट करना होगा जैसे कि नाइस, ऑसम, या फिर यहाँ पर अपना नाम लिख देना होगा ताकि मैं जान सकूँ कि आप जो है हमारा वीडियो देखते हैं, मैं आपका जो है नाम पढ़ सकूँ। तो यहाँ पर आप कुछ भी एक कॉमेंट करते, मैं आप सभी का कॉमेंट हूं, उसे लाइक करता हूं और उसे हर्ट देता हूं। ओके तो चलिए हम जानते हैं उस ट्रिक के बारे में कि अपने नाम से या फिर किसी भी सॉन्ग को अपने जियो ट्यून पर कैसे सेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं कि अपने नाम से कॉलर ट्यून कैसे सेट करेंगे, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि किसी भी सॉन्ग को अपने कॉलर ट्यून पे कैसे सेट करेंगे। ओके तो यहाँ पर आपको अपने नाम से कॉलर ट्यून सेट करने के लिए आपको अपना मैसेज ऐप ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ पर मेरा मैसेज ऐप है, तो मैं इसे ओपन कर लूँगा। और ओपन करने के बाद आप किसी के पास मैसेज जैसे भेजते हैं वैसे आपको एक मैसेज भेजना है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक मैसेज भेज देता हूँ, इसे हम ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको एक नंबर टाइप करना है, और नंबर ये है 5 6 7 8 9। ओके यहाँ पर मैंने नंबर टाइप कर दिया, यहाँ पर देख रहे 5 6 7 8 9। अब उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, जैसे कि आपका नाम है राजू या फिर सुहेल या फिर सनी, कुछ भी आपका नाम है यहाँ पर आपको नाम अपना टाइप कर देना है। ओके तो जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ राहुल। ओके यहाँ पर मैंने राहुल लिख दिया, यहाँ पर सॉरी गलत हो गया, करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। ओके यहाँ पर मैं लिख देता हूँ राहुल, हो गया। अब उसके बाद आपके जिस में आपका जियो का सिम है उस नंबर से आपको भेज देना है। तो मेरा सिम वन में जो है वो जियो है, तो मैं सिम वन से भेज दूंगा। और यहाँ पर देख रहे हैं ये जो है मैसेज चला गया है। ओके अब फिर तुरंत उधर से जो है एक मैसेज आएगा, और फिर मैं आपको आगे बताऊँगा कि उस मैसेज से आगे क्या कर रहा है। ओके तो हम यहाँ पर कुछ वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों उधर से मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं राहुल नाम से जो है वो बहुत सारे रिंगटोन यहाँ पर कॉलर ट्यून जो है वो आ चुके हैं। यहाँ पर देख रहे हैं राहुल नाम से जितने भी सारे कॉलर ट्यून हैं यहाँ पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर वाले पे वन पे हम टैप कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ राहुल है तो यहाँ पर कुछ राहुल से ही कॉलर ट्यून होगा। तो यहाँ पर हम वन पे टैप कर और डायरेक्ट हम इसे मैसेज कर देंगे। ओके यहाँ पर चला गया मैसेज। अब उधर से यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप अपने सभी कॉल पर, अपने सभी कॉलर्स पे इसे सेट करना चाहते हैं। तो जी हाँ, हम इसे अपने सभी कॉलर्स पे सेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, वन लिखकर और यहाँ से इसे भेज देना है। ओके यहाँ पर चला गया। ओके और जाने के बाद यहाँ पर इसने जो है वो रिसीव कर लिया है सभी कॉलर पे। ओके अब आपके फ़ोन पर एक और मैसेज आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा, वो अलग आएगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर वेट कर लेना है। ओके यहाँ पर देखिए अलग से ही जो है मैसेज आ गया है, तो हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या आया हुआ है, डियर कस्टमर यू हैव रिक्वेस्टेड फॉर एक्टिवेशन ऑफ जियो ट्यून सर्विस, टू कन्फर्म प्लीज रिप्लाई वाई। तो हमें इसे अपने कॉलर ट्यून पे सेट करना है, तो इसके लिए हमें इसे कन्फर्मेशन देना होगा। और कन्फर्मेशन कैसे देना है, वाई लिखकर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या यहाँ पर कैपिटल में वाई लिख देंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब इसे हम सिम वन से हम भेज देंगे, और भेजने के बाद ये जो है वो सेट हो चुका है देखिए यहाँ पर।
आ गया मैसेज कि जो है वो हमारा सेट हो चुका है। ओके, आपके भी फ़ोन पर आ जाएगा कि आपका कॉलर ट्यून जो है वो सेट हो चुका है। तो इसी तरह से आप अपने नाम से कॉलर ट्यून सेट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम जानते हैं कि हम किसी भी सॉन्ग को अपने कॉलर ट्यून पे कैसे सेट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहले आपको जैसा कि पता था कि पहले जो है वो सभी सॉन्ग जो है वो बंद हो चुके थे, मतलब कि हम किसी भी सॉन्ग को अपने कॉलर ट्यून पे सेट नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जियो सावन में नया अपडेट आ चुका है। अगर आपने अपने इस एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किया है तो जल्दी से जाकर इसे अपडेट कर लें। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं जियो सावन, मैंने इसे ओपन कर लिया है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आप किसी भी सॉन्ग को आप जो है वो कॉलर ट्यून पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी सॉन्ग को नया अपडेट आया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उसे सिंपली इस एप्लीकेशन को आपको अपडेट कर लेना है प्ले स्टोर से जाकर। और करने के बाद यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर टॉप सॉन्ग्स है, तो यहाँ पर टॉप सॉन्ग्स में इसे मैं ओपन कर लूँगा। और यहाँ पर ओपन करने के बाद मान लीजिए कि मुझे इसे करना है, तो मैं इसे प्ले कर लूँगा। ओके, मैं इसका साउंड जो भी पूरी तरह से कम कर देता हूँ। और करने के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं सेट जियो ट्यून, तो डायरेक्ट यहाँ पर सेट जियो ट्यून पे करेंगे और यहाँ पर प्ले कर सुन लेंगे और डायरेक्ट यहाँ से सेट जियो ट्यून से हम सेट कर लेंगे। ओके, यहाँ पर अगर आपको दूसरा सॉन्ग मैं आपको दिखा देता हूँ, मान लीजिए कि मुझे ये सॉन्ग है लगाना, तो यहाँ पर इस सॉन्ग का भी आप देख रहे हैं जियो ट्यून जो है वो आ चुका है। अगर इस सॉन्ग का लगाना है तो इस सॉन्ग का भी है जियो ट्यून, यानी कि सभी सॉन्ग को आपका जियो ट्यून मिल जाएगा। आप सभी सॉन्ग पे अब जो है वो लगा सकते हैं, बस आपको अपने इस एप्लीकेशन को अपडेट करना है। ओके, अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो आपके फ़ोन में ये नहीं आ रहा होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए कि अगर किसी भी सॉन्ग का जो है वो कॉलर ट्यून नहीं है, तो आप उसके लिए जियो सावन को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि मुझे इसका कॉलर ट्यून चाहिए। ओके, और तुरंत आपको जो है वो उस सॉन्ग पे कॉलर ट्यून मिल जाएगा। तो बहुत ही कमाल का अपडेट आया हुआ है, पहले नहीं था, अब जो है वो आ चुका है। तो अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे, अगर आपको ये जियो का नया अपडेट अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के पास और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।